निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। दुनिया में हर पल, हर समय, हर क्षण अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपराध तो बढ़ेंगे क्योंकि अब ये दुनिया अपराधों की दुनिया बन गई है, क्योंकि ये अपराध वाली दुनिया हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं निम्बल न्यूज। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं अपराध की एक बड़ी खबर को लेकर के। ये खबर उत्तर प्रदेश की है, जिसमें एक छोटे से बच्चे, 7 साल के बच्चे की संगीन मौत का मामला सामने आया है, जिसमें एक छोटे से बच्चे की ईंट से कुचल करके हत्या कर दी गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के पुरवा कोतवाली के सलेथू गांव की है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेथू में सतीश नाम के एक व्यक्ति रहता है, जिसका एक छोटा सा बच्चा है 7 साल का। वो बच्चा शुक्रवार के दिन घर के बाहर 4 बजे के करीब खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक वो घर से गायब हो जाता है। गायब हो जाने के बाद जब घर पे पता पड़ता है कि बच्चा मिल नहीं रहा है, तो वो लोग पूरे गांव में ढूंढते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी सुराग बच्चे का नहीं मिलता है। रात के लगभग 9 बजे वो लोग पुलिस थाने में जाकर के पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस उसी समय रात में आकर के घर वालों से पूरी जानकारी लेते हैं और जानकारी लेकर के पुलिस वापस अपने पुलिस थाने चले जाते हैं। अगले दिन शनिवार के दिन सुबह वो लोग दोबारा पूरे गांव में बच्चों को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते करीब 200 मीटर दूर, घर से 200 मीटर दूर की दूरी पे एक प्राइमरी स्कूल के बगल में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर, मकान के अंदर बच्चे का शव मिलता है। वो शव की हालत बहुत गंभीर थी, बहुत ही निर्दयी थी। वो हालत ऐसी थी कि उस बच्चे की मौत ईंट से कुचल कुचल करके किसी निर्दयी व्यक्ति ने बच्चे की हत्या की थी। सब पूरा खून से लथपथ था और शायद आप उसको देख भी ना पाए, और देखें तो शायद आप बेहोश हो जाए, कुछ इस तरीके की हालत थी उस सब की। आसपास के सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, पूरा गांव वहाँ भीड़ उमड़ जाती है, परिवारजन रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस उस शव को, उस बच्चे के मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास करती है, लेकिन ग्रामीण के लोगों ने ऐसा करने का पर विरोध किया और उन्होंने उस बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की से मना कर दिया। ग्रामीण लोग पुलिस वालों से अपील कर रहे थे कि वो लोग पुलिस के एसपी और डॉग स्क्वाड को वहाँ बुलाएं और इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करें कि किस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, ताकि पापी का, अपराधी का पता चल सके। लेकिन ऐसा करते हुए ग्रामीण लोगों ने गांव का रास्ता बंद कर दिया और वहां पर बैठ गए और अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। और ऐसे मामले में पुलिस गांव वालों को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी इसके बारे में जांच की जा रही है, पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही उस व्यक्ति का पता चलेगा जिसने ये संगीन हरकत की है, जिसने ये संगीन जुर्म किया है। ये जुर्म कोई छोटा जुर्म नहीं, क्योंकि एक बाल हत्या बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। ऐसे अपराधी व्यक्ति को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। जरा सोचिए कि आपके आसपास, आपके घर परिवार में अगर ऐसी कोई हालत होती है तो आपके मन में क्या गुजरेगी। अगर आपके आसपास कोई जुर्म, कोई अपराध हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए और उस अपराधी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अपराधों की बड़ी खबरों को लेकर के हम आपके बीच हाजिर होंगे। आप देखते रहिए निम्बल न्यूज़। धन्यवाद।